हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों आप अपने फोन के नोटिफिकेशन बार में दोस्तों आप अपना खुद का फोटो कैसे लगा सकते हो। दोस्तों फोन के नोटिफिकेशन बार में यदि आप अपना खुद का फोटो लगा देते हो तो दोस्तों आपके फोन का लुक ही बिल्कुल दोस्तों चेंज हो जाता है। इतना आकर्षक और दोस्तों अच्छा लगने लगता है कि दोस्तों आप एक बार देखने के बाद बिल्कुल ही चौंक जाओगे। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस सेटिंग को। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद यदि आपको फायदा मिले, पसंद आए, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं दोस्तों फटाफट से मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, दोस्तों इस कमाल की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं दो दो मोबाइल फोन लिया हूँ ताकि दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा सकूं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो मोबाइल फोन है ना दोस्तों, यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है बिल्कुल ही दोस्तों एक नॉर्मल दिख रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पे कोई भी फोटो वगैरह नहीं लगा है। बट दोस्तों ये जो मेरा मोबाइल फोन है ना दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका नोटिफिकेशन पैनल दोस्तों यहाँ पे इस तरह से डाउन करता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे एक फोटो लगा है। और दोस्तों ये लगाने के बाद मेरा जो मोबाइल फोन का लुक है ना, वो दोस्तों बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और दोस्तों मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और दोस्तों इस फोटो को, इस नोटिफिकेशन पैनल को देखकर बहुत सारे लोग पूछे भी कि भाई तूने ये सब कैसे किया। तो दोस्तों वही चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि दोस्तों आप भी अपने फोन के नोटिफिकेशन पैनल में, नोटिफिकेशन बार में दोस्तों आप अपना खुद का फोटो, अपनी जीएफ का फोटो दोस्तों कैसे सेट कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों प्ले स्टोर को ओपन करना है और दोस्तों इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के ध्यान से देखना है। अदरवाइज दोस्तों यदि आप इस वीडियो को भागा भागा के देखोगे और दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, जो आपको बातें बताने वाला हूं, यदि आपने उसे मिस कर दिया, यदि आपने उसे नहीं सुना ध्यान से, तो दोस्तों आप अपने नोटिफिकेशन बार के अंदर दोस्तों यहां पे आप फोटो नहीं लगा पाओगे। तो इस चीज को आप ध्यान से नोटिस कर लेना। सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे सर्च बार में आने हैं प्ले स्टोर के और दोस्तों आपको यहां पे वन लिखने हैं। इसके बाद दोस्तों आपको SHADE आपको यहां पे इस तरह से वन सेड लिख के दोस्तों आपको सर्च कर देने हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पे दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है, मैं अपने फोन के अंदर दोस्तों इसे इंस्टॉल किया हूं। काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है दोस्तों। इस एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पे ये 8 MB की एप्लीकेशन है, 5 मिलियन डाउनलोड किया गया है, बट दोस्तों काफी ज्यादा पावरफुल ऐप है। अब दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप अपने फोन के अंदर दोस्तों नोटिफिकेशन बार के अंदर आप फोटो कैसे लगाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। दोस्तों मैं इसे यहां से ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद देख सकते हो कि दोस्तों आपके सामने यहां पे एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगा। दोस्तों यहां पे सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहां पे तीन परमिशन दिख रहा है, आपको यहां पे तीनों को अलाउ करना है। यहां पे डबल सिम को दोस्तों यहां से आपको अलाउ कर देनी है। इसके बाद दोस्तों एक्सेसिबिलिटी का जो ये जो सेटिंग है दोस्तों, आपको इसे भी अलाउ करके दोस्तों इस वाली सेटिंग को आपको यहां से परमिशन दे देनी है। दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, उसे ध्यान से सुन के जाना। अब दोस्तों आपको यहां पे नोटिफिकेशन वाले दोस्तों यहां पे सेटिंग पे इसे ऑन कर लेना है, आपको अलाउ कर देना है। इतना होने के बाद दोस्तों आपके सामने ये जो एप्लीकेशन है ना दोस्तों, ये कुछ ऐसा दिखता है। अब देखिए दोस्तों, इतना होने के बाद ही थोड़ा सा यहाँ पे जो मेरा नोटिफिकेशन पैनल है ना, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ चेंज हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ से पहले नॉर्मल था, अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत कुछ चेंज हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आप चीज कस्टमाइज कर सकते हो, एक एक चीज नोटिफिकेशन पैनल के अंदर दोस्तों ये सारी चीजों को आप कस्टमाइज कर सकते हो। इतना पावरफुल एप्लीकेशन है दोस्तों, इसके अंदर बैकग्राउंड लगा सकते हो, इसके दोस्तों फ्रंट के साइज को दोस्तों, शेप को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इतने ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल के अंदर दोस्तों फोटो लगाने से पहले दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जानना जरूरी है। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे लेआउट पे आना होता है और दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो इनका साइज है ना दोस्तों, आप यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो। इनका साइज है जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल में ये जो साइज दिया गया, इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो क्लॉक दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको जो क्लॉक आता है यहाँ पे, इसे भी दोस्तों आप छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे कि देखिए दोस्तों, बिग क्लॉक पोजीशन आप यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट राइट सेंटर आप दोस्तों इसे कहीं इधर उधर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सर्कुलर बैटरी इंडिकेटर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो छोटे मोटे आप कस्टमाइज खुद ही कर लोगे, बट दोस्तों जो मेन चीज है ना, आप दोस्तों इसके अंदर आप फोटो कैसे लगाओगे, तो दोस्तों वो चीजें आपको यहाँ पे कलर्स के अंदर मिलेगी।
जो कि आप यहां पे देख पा रहे हो कि यहां पे कस्टम बैकग्राउंड इमेज पे दोस्तों क्लिक करता हूं, सेलेक्ट पे क्लिक करता हूं और आपको यहां पे दोस्तों देख सकते हो एआई गैलरी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहां पे मैं जो फोटो अपने नोटिफिकेशन पैनल के अंदर लगाना चाहता हूं दोस्तों उस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे दोस्तों मैं इस फोटो को अच्छे से एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ जो एरिया मुझे चाहिए जितना, यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ये फोटो लग चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसके अंदर और भी आप बहुत सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो। एक बार आप लोग इसे अच्छे से यूज करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि दोस्तों आपके फोन के अंदर ये ऐप दोस्तों यदि वर्क ना करे तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं आपकी प्रॉब्लम का दोस्तों सॉल्यूशन कर दूंगा। टेलीग्राम का दोस्तों लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों आई होप कि जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो जानकारी दिया है ना दोस्तों हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।